So question number 3, verify that y square is equal to ax square is the solution of that given differential equation. So आपको verify करना है, तो ये जो main equation इसको differentiate करना है, कितने बार करोगे? इसमें देखो जरा requirement क्या है, dy by dx single derivative, dy by dx single derivative. So एक ही बार derivative करना है और यहाँ पे substitute कर देना है. Answer अगर zero आ गया तो verify हो गया, नहीं आया तो not verify. तो कर लेते, चलो कैसे करेंगे. Here y square is equal to ax square equation है, आपको dy by dx required है, मतलब single derivative required. अब अभी सब ये question है, तो इसमें d square है, तो दो बार derivative, double derivative requirement है, और यहाँ पे single derivative. So differentiate with respect to x. So d by dx of y square, d by dx of ax square. मैंने सब d by dx लिखा है, derivative नहीं किया. अभी derivative करते हैं. y square का derivative होता है 2y dy by dx, 2y dy by dx, y square का derivative 2y dy by dx लिखा. इसमें a is a constant, x square का derivative होता है 2x, कितना हो गया 2x. अभी मुझे dy by dx का value चाहिए, ये 2y की जरूरत नहीं है, तो dy by dx क्या होगा, a 2x upon ये 2 divide में तो 2y होगा ना, and 2 to get cancel. So आपको क्या मिला finally, dy by dx का value मिला आपको ax upon y, क्या मिला आपको ax upon y. then मैं ये equation लिखता हूँ, x dy by dx whole square minus 2y dy by dx तो plus ax, इसका आंसर मुझे 0 आना चाहिए, is equal to x dy by dx का वैल्यू क्या है, ax by y. so it's ax by y the whole square minus 2y, इसका वैल्यू क्या है, ax by y plus ax. इसमें क्या होगा देखो, ये y by get cancel, यहाँ पे y by get cancel, चलो ये y cancel हो गया, y cancel हो गया, and here x into a square, x का square x square, y square minus 2 into 2, 4a plus ax, ठीक है. then next ये sorry it's यहाँ पे ax है, ये ax है, so यहाँ पे क्या होगा, मुझे बताओ 2ax बचेगा, क्या बचेगा 2x, और ये ax है, ठीक है. next क्या करना आपको, अभी देखो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, माइनस 2x है, 1x गया तो 1x बचेगा माइनस में, तो इसमें क्या हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ, x जरा चेक करो y स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ax स्क्वायर है ना, तो मैं काम करता हूँ a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर के जगह पे ax स्क्वायर डाल देता हूँ. ये दोनों को सॉल्व किया तो कितना होगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1. देन इसमें कुछ कैंसिल होगा, हियर कुछ कैंसिलेशंस करो, आप x स्क्वायर गेट कैंसिल, a गेट कैंसिल, क्या बच गया, ax बच गया, माइनस ax, ax माइनस ax इज 0. हेंस वेरीफाई और हेंस प्रूफ खत्म. अब मैंने क्या किया, dy by dx required है, dy by dx required फाइंड आउट किया, उसमें पुट अप कर दिया, आंसर 0 आ गया, खत्म हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर आल्सो d स्क्वायर y by dx square plus my, सो y इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने, देखो y इज इक्वल टू a sin mx plus b cos mx. मैं भी इसमें थोड़ा शॉर्टकट कर देता हूं, आप ठीक से ध्यान दो, क्या करना है मुझे, दो बार डेरिवेटिव करना है. सो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x. सो क्या होगा, dy by dx, मैं अभी जगह नहीं इसलिए आगे लिख रहा हूं, आप लोग इसके नीचे लिखो, तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखो, क्या करो डेरिवेटिव डायरेक्ट, और चलो आपके लिए मैं एक स्टेप करता हूं, d by dx of a sin mx plus b cos mx. okay,
सो डेरिवेटिव का आंसर बताओ, ए कांस्टेंट साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एम एक्स, बस इतना ही है क्या? नहीं, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, अंदर एम एक्स है, अगर यहाँ पे साइन थ्री एक्स होता तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री करते, सेम क्वेश्चन किया उन्होंने, तो इंटू यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है, एम है ना, तो इंटू एम करेंगे। सेम बी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एम एक्स इंटू एम कर रहा है, क्या करना, इंटू एम, ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स। आपको रिक्वायर्ड डबल डेरिवेटिव, तो मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहां पे सिर्फ लिखता हूं मैं डी बाई डी एक्स ए कॉस, ये एम को मैं पहले लिख दू, एम कॉस एम एक्स, ये बी प्लस माइनस, माइनस बी एम साइन एम एक्स, ये एम साइन लिखा मैंने। देन अब इसको डिफरेंशिएट करो, ए एम कॉन्स्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एम एक्स इंटू, इंटू क्या आएगा, क्या क्या था कॉस का आपने डेरिवेटिव, माइनस साइन एम एक्स इंटू एम, इंटू एम, माइनस बी एम कॉन्स्टेंट, साइन का डेरिवेटिव कॉस एम एक्स इंटू एम, देन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। जरा मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया, रिमेनिंग टर्म एम वाई होना चाहिए और वाई का वैल्यू ये है ना, तो एम इट्स अ एम वाई नहीं, इस यहाँ पे एम स्क्वायर वाई होगा, हियर इट्स एम स्क्वायर वाई, ओके, ये प्रूफ में रहेगा। सो मुझे बताओ यहाँ पे ये एम है, ये एम है, एम इंटू एम कितना होता है, एम स्क्वायर, एम इंटू एम कितना हो गया, एम स्क्वायर, और दोनों में नेगेटिव नेगेटिव सिंबल है क्या, है ना, तो मैं काम करता हूं माइनस एम स्क्वायर कॉमन निकालता हूं, क्यों, अगर मैंने माइनस और ये एम स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, ए साइन एम एक्स, और ये माइनस बाहर गया तो प्लस, एम इंटू एम स्क्वायर बाहर गया तो बी कॉस एम एक्स, चेक करो ना, माइनस बाहर आ गया, एम इंटू एम एम स्क्वायर बाहर आ गया, ए साइन एक्स बच गया, साइन एम एक्स बच गया, माइनस बाहर आ गया, एम एम बाहर आ गया, बी कॉस एम एक्स बच गया, और ये जो इक्वेशन है वो वाई का है क्या, चेक करो, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, तो इसके जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसके जगह पे, माइनस एम स्क्वायर वाई लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस एम स्क्वायर वाई, यानी माइनस एम स्क्वायर वाई अगर मैंने लेफ्ट साइड लेके आ गया तो प्लस हो जाएगा ना, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हो गया खत्म, कोई डिफिकल्टी का मुझे बताओ, चलो ये लिख लो अच्छे से।